आज देखते हैं कि अधेरेंट पॉइंट क्या होता है। नेबरहुड और इंटरवल आप समझ गए होंगे। अगर ठीक से नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लो जो पुरानी वाली है। अगर आपको क्लियर है वो टॉपिक और आपको भी याद है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ अधेरेंट पॉइंट में, नेबरहुड में और कंडेंसेशन पॉइंट वगैरह में। तो आज हम अधेरेंट पॉइंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट की और कंडेंसेशन पॉइंट की। तो आपको इन सब टर्म्स में जो आपस में थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं उनसे वाकिफ हो जाओ, आपको समझ में आ जाए। देखते हैं अधेरेंट पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम कोई भी सबसेट ले रियल नंबर का, अब हम जब भी ये बात कर रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रियल आंसर्स पढ़ रहे हैं। तो हम बात किसी कर रहे थे रियल नंबर लाइन की। तो जो हमारी रियल नंबर लाइन है इस पे किसी भी पॉइंट को हम अधेरेंट पॉइंट कब कहते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम अधेरेंट पॉइंट की बात कब कर पाएंगे, जब हम कोई इसका फाइनाइट या इनफिनिट की एक छोटा सेट लेंगे। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका एक छोटा सबसेट ले रहे हैं, रियल नंबर लाइन का एक छोटा सेट ले रहे हैं। तो लेट एस बी सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन। मान लिया कि ये जो एस है ना, ये पूरा एस है और ये क्या हमारा रियल नंबर लाइन का एक छोटा सबसेट है, छोटा सा पार्ट है जिसमें हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। देन द पॉइंट ए, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या पॉइंट है वो, ए पॉइंट है, हमने नाम ले लिया, एक ए एलिमेंट उठा लिया, इज कॉल्ड एन अधेरेंट पॉइंट ऑफ एस। If, ऐसा कब कहेंगे कि इसका अधेरेंट पॉइंट है, कब कहेंगे, when, जब हम S में से इसके किसी नेबरहुड का इंटरसेक्शन करें तो क्या नल सेट ना आए, खाली ना आए, कम से कम उसमें एक एलिमेंट आए चाहे वो खुद ही हो। तो इसको हम अधेरेंट पॉइंट तब कहेंगे जब इसके किसी भी नेबरहुड में से हम पॉइंट्स देखें और पूरे सेट के पॉइंट्स देखें और इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ कॉमन आए, कम से कम एक पॉइंट कॉमन आए, नॉट नल सेट, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये की पॉइंट है ना, ये बी मान लो, ये बाहर है तो ये इसका अधेरेंट पॉइंट नहीं होएगा, पर ये है, ये तो पूरा ही इसके अंदर है। इन अदर केस अगर ऐसा होता कोई पॉइंट सी है, ये बाउंड्री पर है, अगर ये सी पॉइंट एकदम बाउंड्री पर लाया कर रहा है और हम इसका छोटा सा नेबरहुड देखें, ये सी का हमने ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा करते ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट है सी माइनस डेल्टा और ये वाला पॉइंट है सी प्लस डेल्टा और एक छोटा सा नेबरहुड देख रहे हैं। तो देखो इसके जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि ये भी इसका क्या बन गया, अधेरेंट पॉइंट बन गया, बेशक वो बिल्कुल बाउंड्री पर है। तो अधेरेंट पॉइंट ये होता है। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, ये तो डेफिनेशन थी तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें बात करें एक सेट की, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, आपको बताना है कि इस सेट के अधेरेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सेट ऑफ अधेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। आपको बताने कि ए पॉइंट के जो अधेरेंट पॉइंट है उसको अगर हम एक सेट बनाए तो कौन कौन से एलिमेंट उसमें आएंगे। अब ये सेट देखते हैं, हमने देखा ही नंबर लाइन पे, हमने सेट बना लिया 1 2 3 4 5। अब इसके जो बीच के पॉइंट्स है वो इस सेट में नहीं है, सिर्फ ये वाले पॉइंट है, सिर्फ एक एक पॉइंट। और ये अधेरेंट पॉइंट तब होएगा, डेफिनेशन देखते हैं, जब इसके आसपास छोटा सा कर्व मार रहे, ठीक है ना, डिजाइन बनाया हमने, छोटा सा कर्व मार रहे, इनकी नेबरहुड बन गया पूरा। अब इस नेबरहुड में और इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। अब नेबरहुड बनाते हैं यहाँ पे, वन का अगर नेबरहुड बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 - डेल्टा 1 + डेल्टा, नेबरहुड बन गया। डेल्टा ना कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, डेल्टा कोई भी छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम मान लेते हैं डेल्टा को थोड़ी देर के लिए 1/2, तो 1 - 1/2 एंड 1 + 1/2 क्या सेट बन जाएगा, इस ये बन जाएगा 1/2, 3/2, तो ये सेट बन गया। अब इस सेट में कितने पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट। इस सेट में कितने पॉइंट्स हैं, 5, पर क्या इन दोनों सेट में कोई भी पॉइंट एक भी कॉमन है, तो हम देखेंगे कि 1/2 और 3/2 के बीच में 1 पक्का आता है और 1 सेट में है, बस एक पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, यानी कि खाली तो नहीं है ना, इन दोनों के चीजों में दोनों में इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एक पॉइंट तो है ना, खाली तो नहीं है ना, नहीं खाली नहीं है, एक पॉइंट आ जाएगा, 1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि 1 क्या बन गया, इसका अधेरेंट पॉइंट बन गया। इसी तरीके से हम 2 को देखेंगे, तो 2 का जो नेबरहुड बनाएंगे वो क्या बनेगा, 2 - डेल्टा 2 + डेल्टा, तो 2 - डेल्टा 2 + डेल्टा। फिर से हम डेल्टा को थोड़ी देर के लिए 1/2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम 1/2 ले रहे हैं, सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, समझाने के लिए। तो 2 - 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 एंड 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2। तब देखोगे इनफिनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देख पाओगे कि सिर्फ 2 एक पॉइंट है जो कि इन दोनों सेट में कॉमन आएगा, इनकी खाली तो नहीं होना, इन दोनों की इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट आ गया 2, यानी 2 भी क्या बन जाएगा, अधेरेंट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जिनके जितने भी पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, अधेरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे।
तो यानी कि इनके इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट आ जाए तो उसे हम कह देते हैं कि ये अधेरेंट पॉइंट है। पर अधेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में बहुत फर्क होता है। एक सेट के लिमिट पॉइंट की हम बात करेंगे अगली वीडियो में, अभी उन्हें करी मैं जानकर इन पॉइंट्स की ना अलग अलग वीडियो बनाई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले एक डेफिनेशन को अच्छे से याद करो, उसको दो तीन बार सुनो, दो तीन बार लिख के देखो और उसके बाद अगली डेफिनेशन में चलो ताकि आप सबको अलग अलग ध्यान रख पाओ। तो अधेरेंट पॉइंट समझ गए। अब अधेरेंट पॉइंट के बारे में कुछ नोट्स लिखवाए थे और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। आप सब वाकिफ है नेचुरल नंबर्स की सेट से, आप सबको पता है होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से काउंट होते हैं, 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी काउंटिंग नंबर जाते हैं ये हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर, जहाँ पे हर एलिमेंट का एक सक्सेसर हमने डिफाइन कर रखा है। नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया, इन्फिनाइट सेट है, बहुत बड़ा, चलता ही जाएगा। अब आपको बताने कि इस सेट के अधेरिंग पॉइंट्स का सेट क्या है, इनकी अगर इसके अधेरिंग पॉइंट्स है ना वो हम लाइन वाइज लिखते जाएं तो उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट में लिख दें तो सेट क्या बनेगा। तो सेट ऑफ अधेरिंग पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, बताओ क्या कौन से पॉइंट्स है जो कि नेचुरल नंबर के अधेरिंग पॉइंट्स बनेंगे। अब देखोगे कि अधेरिंग पॉइंट की डेफिनेशन में चलते हैं। नेचुरल नंबर को एक बार लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं, लाइन पे 1, 2 दो नंबर प्लॉट करते हैं, बाकी तो है ही। चलो तो 1 है, फिर से वही डेफिनेशन हो गया, कहती है कि जो हमारा हमने सेट लिया है यहाँ पे एस के हमारा नेचुरल नंबर है, तो इस सेट के बीच में और जो पॉइंट है उसके नेबरहुड के बीच में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो इस सेट और इस नेबरहुड के बीच में कौन कॉमन है, वही सेम बात हो गई, हमें दिख रहा है कि एक एलिमेंट कॉमन आ पाएगा वो है 1, पर एक तो आ रहा है ना, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आया तो हम उसे क्या कहेंगे, अधेरिंग पॉइंट। तो 1 इसका क्या है, अधेरिंग पॉइंट। तो हम देख पाएंगे इसी तरीके से 2b या 3b और नेचुरल नंबर के जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे खुद के अधेरिंग पॉइंट बन रहे हैं, इनकी इसके सेट ऑफ अधेरिंग पॉइंट्स पूरा नेचुरल नंबर खुद ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है, इसी से हम एक रिजल्ट निकाल पाएंगे कि एवरी मेंबर ऑफ अ सेट इज एन अधेरिंग पॉइंट। एवरी मेंबर ऑफ अ सेट एस दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी एस हो उसका जो मेंबर है वो पक्का अधेरिंग पॉइंट होगा, इज एन अधेरिंग पॉइंट। और भी अधेरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं पर ये जो अगर उसका मेंबर है तो पक्का अधेरिंग पॉइंट होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये एक साइड से ओपन एंड एक साइड से क्लोज सेट है, 0, 1 एक इंटरवल है, इसको रियल लाइन पे देखें तो ऐसा दिखाई देगा, 0, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन यहाँ पे हमने 0 ओपन सर्कल बनाया ना, मतलब कि इट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड 1 तक जा रहे सारे पॉइंट्स वाले जो है बीच में इंक्लूड हो रहे हैं एंड 1 इज इंक्लूडेड, तो इस पे क्लोज सर्कल। तो ये कैसा सेट है, ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ऐसे ही बना सकते हैं, 0 पे ओपन एंड 1 पे क्लोज्ड, ये 1 है हमारा क्लोज्ड और ये रहा हमारा 1, तो 0 पे ओपन एंड 1 पे क्लोज्ड, एक ही बात है, दोनों में से कुछ बनाए, इसके बीच के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा पर 1 इंक्लूड हो रहा है। अब मेरे को इसके अधेरिंग पॉइंट्स बनाने, तो अब देखो कि 0 जो खुद एक नंबर है वो सेट में नहीं है, तो देखना है कि क्या 0 फिर भी अधेरिंग पॉइंट बन पा रहा है सेट में ना होने के बावजूद भी, देखते हैं। 0 के आसपास एक इंटरवल बनाओ, ये बनाया हमने छोटा सा नेबरहुड बनाया 0 के आसपास का, अब देखना है कि क्या इस नेबरहुड में और इस सेट में कुछ कॉमन है, तो अब देख पा रहे हो कि सेट में 0 तो नहीं है पर 0 के इस साइड पे जो इतने सारे एलिमेंट्स इनफिनाइट एलिमेंट्स हैं वो इसमें कॉमन आ रहे हैं, यानी कि अगर हम एस इंटरसेक्शन निकालें 0 से 0 का नेबरहुड 0 - δ, 0 + δ, तो हम देख पाएंगे कि 0 के आगे के जो नंबर्स जा रहे हैं वो सारे कॉमन आ जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स कॉमन आ जाएंगे, 0 से लेकर 0 + δ तक जितने भी नंबर जा रहे हैं, अब डेल्टा की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो इसमें हमेशा इनफिनाइट मेंबर्स आएंगे, इतने सारे नंबर्स कॉमन आ रहे हैं इनकी 0 पक्का क्या बन रहा है, अधेरिंग पॉइंट बन रहा है, तो 0 इज एन अधेरिंग पॉइंट ऑफ एस। तो हमने यहाँ पे एक और चीज के नोट करी कि अगर कभी कभी वो नंबर सेट में ना भी हो तब भी वो अधेरिंग पॉइंट बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेट में हो ही, अगर मेंबर है पक्का अधेरिंग पॉइंट है, पर और भी केसेस हैं कि जब वो अधेरिंग पॉइंट बन सकता है। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल था कि एक ऐसा मेंबर जो सेट में है भी नहीं फिर भी अधेरिंग पॉइंट है। तो अगर हम इस सेट के सारे अधेरिंग पॉइंट्स निकाले तो क्या क्या बनेंगे, एक तो 0, और मैंने क्या कहा था अभी जितने भी सेट के मेंबर्स हैं वो तो होते ही हैं, तो सारे ये जो पूरा सेट है ये पूरा तो खुद का है ये अधेरिंग पॉइंट सारे, साथ में 0 भी ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम बनाए इस सेट का सेट ऑफ अधेरिंग पॉइंट्स ऑफ एस, तो हम देखेंगे कौन सेट बन जाएगा, 0, 1 पूरा क्लोज्ड, कि इसके सारे पॉइंट्स बीच के और साथ में 0 भी तो इंक्लूड हो रहे हैं, सेट में 0 नहीं है पर उसका अधेरिंग पॉइंट 0 फिर भी है, तो अगर अधेरिंग पॉइंट्स का सेट बनाए ना तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल था, बस ये दो बातें आपको याद रखनी है अधेरिंग पॉइंट के बारे में,
कि अगर मेंबर है तो पक्का अधेरन पॉइंट है, और कभी कभी मेंबर ना हो तब भी अधेरन पॉइंट हो सकता है। डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी है हमेशा, डेफिनेशन को बेस बना के चलो हमेशा, और कोई बात नहीं है। और डेल्टा से अब तो मेरे को लगता है आपकी घबराहट कम हो जानी चाहिए, अब तो काफी टाइम से आप उसमें खेल रहे हो डेल्टा एप्सिलॉन में। डेल्टा में कुछ डरावना नहीं होता, एक प्यारा सा छोटा सा पॉजिटिव नंबर ही तो है। अगर डेल्टा से डर लगता है ना तो दिन में ना एक काम करो, वीडियो बंद करो, पहले पॉज करो और 10-15 बार ना डेल्टा लिख के देखो, और डेल्टा नहीं 0 - डेल्टा 0+डेल्टा, और सोचो कि इसमें क्या क्या नंबर आने। डेल्टा की वैल्यू 1/2 लो, डेल्टा की वैल्यू 0.1 लो, 0.01 लो। आप ना सच में मैं बता रही हूँ, मजाक नहीं, ऐसा करके देखो, आपकी ना डेल्टा से जो डर है वो निकल जाएगा। डेल्टा से दोस्ती कर लो, रियल आंसर समझ में आने लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अध्ययन पॉइंट आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो, ना आया हो तो वही फॉर्मूला अपनाना है, रिवाइंड करो एंड देखो दोबारा, या फिर डेफिनेशन दोबारा पढ़ के देखो। और हमारी बाइबल तो है ही हमारे पास, बर्टल, तो आरजी बर्टल बुक है, उसमें से अच्छे से रीड करो जो भी आपको लग रहा है कि डिटेल में आपको और पढ़ना है, और क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स ही प्रैक्टिस करो। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज मस्ट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, जिससे कि कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आइसोलेटेड और कंडेंसेशन पॉइंट की। ट्रिप भाई, मैं साइनिंग ऑफ, बाय बाय।